नगर से महर शारदा माता के दर्शनों के लिए। बुधवार को माता रानी के भक्तों का जत्था पैदल यात्रा के लिए मढ़ियाघा हनुमान मंदिर से सुबह 10 बजे रवाना हुआ है। करीब 100 यात्रियों का जत्था भागीरथ रजक पंडा के नेतृत्व में महर शारदा माता के दर्शनों के लिए गाजे बाजे के साथ रवाना हुआ। यात्रा में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या ज्यादा नहीं रही। भागीरथ पंडा ने बताया कि मां शारदा महर के दर्शन करने पैदल जा रहे हैं। ये उनकी 21वीं यात्रा है। इस दौरान माता रानी के दर्शनों के लिए जाने वाले भक्तों की परिजन एवं गणमान्य नागरिक नगर के बाहर जयकारों के साथ पैदल छोड़ने गए। इस दौरान नगर के लोगों के साथ यात्रा में जाने वाले लोग मौजूद थे। दमोह तेंदुखेड़ा से विशाल रजक की रिपोर्ट। कश्मीर यात्रा माता रानी के दरबार में जाने को 125 आदमी का जत्था हर वर्ष जाते हैं, इस वर्ष भी जा रहे हैं, तो सब माई की कृपा रहती है। आपके साथ कितने लोग जा रहे हैं? मतलब 100-150 आदमी हैं कुल, अभी गिनती नहीं हो पाई है। मतलब और आ रहे हैं कुछ लोग। कितने पहुँच जाए आज आप लोग का ठहरना कहाँ होगा? हम लोग सिग्रामपुर में रुकेंगे, दूसरे दिन बोहरीमन में, तीसरे दिन हरदुगा में, चौथे दिन पकड़िया में, पांचवे दिन मैहर में। आपकी यात्रा कितने दिन की रहेगी? 5 दिन में पहुंच जाते हैं मैहर धाम। छठवें दिन दर्शन होते हैं सोमवार के दिन। जी अरे तुम फोटो तो बताओ कि अब तुम्हारे नाम आगे लिखा है। हम जरूरी नहीं, हम लिखते हैं। अरे तुम फोटो तो बताओ कि अब तुम्हारे नाम आगे लिखा है। हम जरूरी नहीं, हम लिखते हैं। Yeah.